સુરતના પાલ સ્થિત પાર્ક ઇન રેડિશન સામે સુમેરુ બેન્ક્વેટમાં જેબીએન સુરતની 5મી એનિવર્સરીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ તરીકે સીએ મોતીલાલ ઓસવાલે હાજર રહી જીતોના સભ્યોને સંબોધન કર્યું હતું. આ અંગે મોતીલાલ ઓસવાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસના ફાઉન્ડર સીઈઓ અને એમડી મોતીલાલે જણાવ્યું હતું કે જીતો પરિવારના આમંત્રણથી સુરત જેબીએમની એનિવર્સરી કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યો છું. આવા સામાજિક કાર્યક્રમમાં આઈડિયા શેર કરી ગેટ ટુગેધર દ્વારા સમાજ માટે કંઈક કરવાનો મોકો મળે છે. જેબીએન નેટવર્કથી બિઝનેસ વધે છે, તેનાથી દેશના ઘણા લોકોને ફાયદો છે. સુરત બહુ મોટું સેન્ટર છે. ભારત વર્તમાનમાં વિશ્વનું 5મું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર છે, જે ઝડપથી વિશ્વનું 3જું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનવા તરફ જઈ રહ્યું છે. એકબીજાના સંપર્ક, નોલેજ, મદદ, સપોર્ટથી દેશનો આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ ઝડપથી થશે. જેબીએન સુરત ચેપ્ટરના 5 વર્ષ પૂર્ણ થતા આજે 700 જેટલા સભ્યોએ ભેગા થઈ એનિવર્સરીની ભવ્ય ઉજવણી કરી હતી. મેરા નામ અલ્પેશ બાબુલાલ માંડોતે. મેં જેન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન જો એક સંસ્થા હે ઉસમે એક જેબીએન કરકે પ્રોગ્રામ ચલતા હે ઉસકા કન્વેનર હું, જીતો સુરત કા કન્વેનર હું. और यहाँ पे हमारे जीतो सूरत में जेबीएन का 5 साल खत्म हुए, उसके प्रोग्राम हो रहा है सुमेरु बैंक्वेट में अपोजिट सुमेरु रेसिडेंस, सुमेरु कॉमर्शियल के सामने बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है. और यहाँ पे हमने श्री मोतीलाल जी ओसवाल, जो अपने ओसवाल ग्रुप के ऑनर है, उनको बुलाया है. आप जानते हो कि भाई एक तो जैन है और जैन लोग बिजनेस में माहिर होते हैं, तो इसी बिजनेस को एक अच्छा स्वरूप देके और अच्छे से ऐसे बिजनेसमैन को एक कंधे पे, एक स्टेज पे एक कंधा मिला के साथ में चले, इसकी इस थॉट की वजह से हमने एक जेबीएन चालू किया है. और जेबीएन पूरे वर्ल्ड वाइड चालू है. सूरत में अगर आप मेंबर हो तो पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हो. और जेबीएन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे कोई भी जैन बंधु आके अपना बिजनेस डेवलप कर सकता है. ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट है, जैसे अभी समझो आज मोतीलाल जी ओसवाल आया. सूरत की धरा पर मोतीलाल जी ओसवाल आते नहीं है कभी भी, और कभी देखा नहीं हुआ कभी स्पीच देने आए, लेकिन जीतो के प्लेटफॉर्म पर मोतीलाल जी जैसे स्पीकर को सुनना उसमें एक बड़ा त्यौहार मना जा सकता है. यहाँ पे मेंबर में बहुत सारे अचीवमेंट है, बहुत सारे को बिजनेस मिला है, क्योंकि ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है. तो मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेते हुए सभी बिजनेसमैनों ने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन किए हैं. जैसे सुमेरु ग्रुप की बात करें, सुमेरु ग्रुप अच्छा डेवलप कर रहा है, उन्होंने रेडिसन होटल चालू किए, तो एक वही बदलत है उसकी वजह से ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं. ये एक वन ऑफ द नाम है सुमेरु ग्रुप. जेबीएन जैसे 5 सालों में बहुत सारे वर्टिकल खड़े किए, अलग अलग 3 चैप्टर चालू किए सूरत के अंदर. वैसे ही नेक्स्ट 50 साल की बात करें तो मैं चाहूंगा 50 साल के बाद भी मैं आऊं और यहाँ पे स्पीच दूं, इस तरह का प्लेटफॉर्म रेडी करना चाहते हैं. ये जैन प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी जैन बंधु कहाँ पे भी डेवलप हो रहे हैं तो यहाँ पे जेबीएन में कहीं पे भी, जैसे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, वापी, गांधीधाम, कहीं पे भी आप जेबीएन बिजनेस, जेबीएन नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हो. जय जिनेन्द्र. मेरा नाम सीए ध्रुव मरड़िया है और मैं पूरे गुजरात का जीतो बिजनेस नेटवर्क, वो मैं उसका कन्वेनर हूँ और मैं उसको हैंडल करता हूँ. और आज ये हम मिले हैं यहाँ पे जेबीएन जो सूरत का है, ये 5 साल कंप्लीट करे, एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे लिए कि एक 5 साल हमने कंप्लीट किया. तो आज उसके एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं. बहुत बड़ा इवेंट आज किया है, 700 लोग से ज्यादा लोग आज यहाँ पे मिल रहे हैं. राजेश चंदन जी जो हमारे जेबीएन के पूरे इंडिया के चेयरमैन है वो आज हाजिर थे. उन्होंने अभी बहुत जबरदस्त सेशन लिया है, वो टेडएक्स के स्पीकर भी है. और अभी अंदर मोतीलाल जी ओसवाल जी का सेशन चालू है जो कि आज टॉप 100 बिलियनर्स में उनका नाम है. फोर्ब्स की जो टॉप 100 बिलियनर्स की लिस्ट है उसमें मोतीलाल जी ओसवाल जी का नाम है. तो आज इस तरीके का ग्रैंड सेलिब्रेशन आज जेबीएन सूरत, जीतो सूरत द्वारा यहाँ हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 700 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, अलग अलग फील्ड से, टेक्सटाइल, डायमंड, सीए, डॉक्टर्स, हर तरीके के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए एक ही उद्देश्य से कि जैन से जैन बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए. और आज मोतीलाल जी आज आए हैं तो वो हमको ये बताने आए कि नेक्स्ट 5 साल में शेयर मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्योंकि आज सबको मालूम है कि इंडिया इज द सोने की चिड़िया, इंडिया इज द गोल्डन बर्ड. तो ये नेक्स्ट 5 साल में आज इंडिया कहाँ पहुंचेगा उसका एक ग्लिम्स, क्योंकि मोतीलाल जी ओसवाल जी जो कि एक सीए हैं, वो आज एक बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत ही बड़ी कंपनी चला रहे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. तो उनका जो विजन है आज हम कि नेक्स्ट 5 साल में शेयर मार्केट कहाँ जाएगा, और वो आज सीख के हम भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. इससे आप सब लोगों को एक नॉलेज मिलेगा कि शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है,
क्या क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आज हमको मालूम चलने वाली है। ओके, सो JBN यानी कि जीतो बिजनेस नेटवर्क, जीतो का फुल फॉर्म है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक वैश्विक संस्था है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हम लोग जैन टू जैन मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बिजनेस को जानते हैं और एक दूसरे का बिजनेस प्रमोट करते हैं। आज जैसे कि हम लोग मिले हैं, ये एक इवेंट है, इस तरीके से हम लोगों की अलग अलग मीटिंग्स होती है, रेफरल मीटिंग्स होती है, जहां पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में मीटिंग होती है, सब मेंबर्स एक दूसरे को मिलते हैं, उनको टाइम दिया जाता है अपने बिजनेस का परिचय देने का, वो परिचय देते हैं, फिर वो मीटिंग के बाहर भी लोग मिलते हैं एक दूसरे से ट्रस्ट जब डेवलप होता है तब बिजनेस होता है। इस तरीके से ये जैन टू जैन का एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है और मैं अपील करूंगा कि सभी जैन मेंबर्स को इस तरीके के प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहिए और एक दूसरे के बिजनेस में मदद आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, H24 न्यूज़, सूरत।